गिरफ्तारी की गई है, क्या कुछ कार्रवाई की? आज तकरीबन 11 बजे बीरपुर थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली कि कई जगह में अवैध शराब का व्यापार किया जा रहा है, और उसी निशानदेही के तहत थाना प्रभारी ने टीम को नेतृत्व किया और सरंजा में जाकर के छापामारी की। छापामारी के दौरान तकरीबन 100 लीटर के करीब कच्चा सामग्री को हम लोगों ने विनिष्ट किया, लेकिन हुआ ये कि जो अभियुक्त था वो उसका नाम है महेश सहनी। वो पूर्व में भी कई केसों में वो अभियुक्त रह चुका है, वो फरार हो गया। इसी दारू के छापामारी के ही क्रम में हम लोगों के उसके घर से 3 मुंगेरी 18 इंच का देसी कट्टा बरामद हुआ है। बाद में जब हम लोगों ने तहकीकात किया तो पता चला कि पूर्व के कई केसों में ये नामित फरारी है। बाद में फिर उसी जगह पर हम लोगों ने आगे छापामारी की तो एक हम लोगों को 75 बोतल तकरीबन 13-14 लीटर के करीब में ये हमारा अंग्रेजी शराब बरामद हुआ, रॉयल प्लेयर ब्रांड का, और इसमें जो अभियुक्त है रामशरण कुमार वो भी गिरफ्तार हुआ। इसके साथ 2 और अभियुक्त थे जो फिरार चल रहे हैं। तो कहाँ का निर्मित शराब है, किस एरिया से शराब आया है यहाँ, क्या कुछ जानकारी? अभी शुरुआती दौर में ये पता चला है कि कल एक मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक बड़ी खेप शराब की पकड़ाई गई थी, और उसी खेप का बैच नंबर वगैरह हम लोगों को भी पता चल रहा है कि मैच हो रहा है। तो उम्मीद ऐसा लगाया जा सकता है कि कुछ शराब को वहाँ उतारा गया था, कुछ शराब को आज ही लोहिया नगर में भी पकड़ा गया है, और कुछ शराब बीरपुर थाना क्षेत्र में बरामद की। आगे इसके अलावा आगे किस तरह से पुलिस ऑपरेशन कर रही है, क्या कुछ? अभी आगे की जो भी फरार लोग हैं उसके ऊपर हम लोग दाबिश बना रहे हैं, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और शराब को लेकर एक्शन प्लान कुछ? अभी आने वाले समय में हम लोगों का एक्शन प्लान ये है कि जगह जगह पर हम लोग शराबबंदी कानून के तहत लोगों के बीच जाएंगे, उन लोगों के बीच में जाकर के जन जागरण एक आयोजन भी हम लोग कर रहे हैं कि इसका क्या नुकसान है सामाजिक दृष्टिकोण से, ये इसके ऊपर में भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को। साथ में जो अपना कानून है उस प्रक्रिया को मजबूती दे, इसके लिए भी हम लोग कारगर रूप से काम कर रहे हैं।